अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज केमी का पिज़्ज़ा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बिल्कुल इसके फ़ैन हो जाएंगे, बार बार इसे बनाने का मन करेगा। बहुत ही आसान और बिल्कुल कम सामान में बहुत ही टेस्टी ही कीमे का पिज़्ज़ा बनता है, और अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो आपके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए एकदम बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी कीमे का पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। एंड यस, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप सभी को पता है मेरी शादी थी और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए दिल से सॉरी। आगे मैं वीडियो बिल्कुल टाइम पर लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कीमा पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। ये कढ़ाई को हम थोड़ा सा सूख जाने देते हैं। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, यानी कि जो नॉर्मल खाने का तेल रहता है मीठा तेल, वही मैंने लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकती हैं अगर आप सर्दी में बना रही हैं। तो तेल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज को एक चॉपर की हेल्प से बिल्कुल बारीक काटा है, अगर आप हाथ से भी काट रही हैं तो एकदम बारीक काटें। दो बड़े साइज़ की प्याज है ये। तेज़ आंच पे हम ये प्याज को करीब 1 मिनट तक पका लेते हैं। 1 मिनट तक हमने प्याज को पका लिया है और ये प्याज हल्की सी गुलाबी भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम कीमा लिया है, इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए। और अब हम ये कीमे को अच्छे से भून लेते हैं प्याज के साथ। एक छोटा चम्मच हम इसमें नमक भी डाल देते हैं ताकि हमारा कीमा एकदम फीका फीका नहीं रहे। वो फिर से हम इसे अच्छे से भूनेंगे करीब 2 मिनट तक। 2 मिनट तक हमने कीमे को अच्छे से तेज़ आंच पे भून लिया है। आप देख सकती हैं ये जो कीमे का पानी था वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। एक छोटा चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला है मैजिक। ये 5 रुपये का पैकेट आता है बट बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है ये हमारी रेसिपी का। अच्छे से हम इसे मिला देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट। आधा छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अब हम इसे एक बार फिर से भून लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अभी डाला है। आप चाहें तो जब हमने प्याज और कीमे को भूना था तब भी अदरक लहसुन डाल सकती हैं। अच्छे से हमने इसे मिला दिया है, थोड़ा सा हम इसमें तेल बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच तेल और बढ़ा दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ही बढ़ाएं, अगर आप नहीं चाहें तो बिल्कुल आप इसके बिना बना सकती हैं। कीमे को हमने अच्छे से भून लिया है तो अब आती है कीमे को गलाने की बारी। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिला देते हैं और मध्य आंच पर यानी कि लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे करीब 5 मिनट तक। ढककर पकाना है हमें। कीमे का गलना उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो अगर आपका कीमा 5 मिनट बाद नहीं गलता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दें और फिर लो फ्लेम पर आप इसे 5 मिनट और पका लें। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे कीमे को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई हो चुका है, ना ये पैन से लगा है और ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। परफेक्ट है ये कीमा पिज़्ज़ा के लिए। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही परफेक्ट ये दिख रहा है। और अब हम कीमा पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार कर लेते हैं, यानी कि आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा डाला है। इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर या फिर तेल भी डाल सकती हैं, पर घी यहाँ पर इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हमें इसे पिघला हुआ घी लेना है, जो जमा हुआ घी रहता है उसे बिल्कुल भी नहीं लें। अच्छे से हम इसे एक बार मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं, जैसे हम रोटी या फिर चपाती के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा लगाना है।
आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा रहता है, वो भी डाल दिया है। अच्छे से मिला के हमने इसका आटा लगा लिया है और अब हम इसे ढककर रख देते हैं। हमें इसे ढककर करीब आधे घंटे के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक DIY तरीके से पिज़्ज़ा प्लेट बनाई है। तो मैंने एक नॉर्मल स्टील की प्लेट ली है, इसे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। एल्यूमिनियम फॉइल लगाने से जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो पिज़्ज़ा का डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है, उसने बहुत अच्छे से आराम कर लिया है। तो अब हम इसे बेलेंगे। यहाँ पर मैं एक सिंगल पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो पूरा आटा मैंने ले लिया है। रोलिंग पिन यानी कि चकले और बेलन पे हमने अच्छे से तेल लगा लिया है ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा डो है ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। हमें इसे एकदम परफेक्ट गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बीच से इसे हल्का सा पतला कर देना है, क्योंकि जब हम इसे ट्रे पे लगाएंगे तो ऑलरेडी ये सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम बेल के इसको रख देते हैं ट्रे पर और हाथ से हम इसे अच्छे से परफेक्ट गोल शेप देंगे। अगर आप बहुत ही परफेक्ट है रोटी बनाने में तो आप दे सकती हैं चकले पे ही इसे शेप। बाकी एकदम परफेक्ट और इवन शेप के लिए आप हमेशा बेकिंग ट्रे पे डो को रख कर शेप दें, उससे एकदम गोल भी बनता है पिज़्ज़ा और ये ना बड़ा पड़ता है ना बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। उंगली के आगे वाले साइड से इसे दबाते हुए करें, इससे बहुत ही अच्छे से ये फैल जाएगा। हथेली से ही कहीं से मोटा और कहीं से पतला रह जाएगा, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो पिज़्ज़ा डो हमारा बिल्कुल तैयार है टॉपिंग के लिए। तो अब हम इस पर सबसे पहले लगाएंगे टमेटो केचप यानी कि टमेटो सॉस। अच्छे से हम इसे फैला देते हैं, हम इसे थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा हमारे पिज़्ज़ा में और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अगर आपके पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकती हैं, लेकिन टमेटो सॉस से हमारा अच्छे से काम हो जाएगा और ये सभी घरों में अवेलेबल रहता है, इसलिए हम यहाँ पर टमेटो सॉस ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है अमूल चीज़ क्यूब, तो इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही कम जैसा पसंद हो उतना चीज़ डाल सकती हैं। तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा चीज़ अच्छे से फैला देते हैं और ये कीमा भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे भी अच्छे से पिज़्ज़ा पर फैला देते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कीमा कम या ज़्यादा डाल सकती हैं जैसा आपको पसंद हो, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कीमे के साथ थोड़ी सी सब्ज़ियाँ भी डाल सकती हैं जैसे कि शिमला मिर्च या फिर टमाटर या फिर कटे हुए प्याज। और अब हम इस पर डालेंगे बहुत सारा चीज़। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ यानी कि चडार चीज़ ले रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला या फिर जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्लाइस भी यूज़ कर सकती हैं, चीज़ स्लाइस भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने नमक लिया है, तो ये वही नमक है जो हमेशा हम बेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे मैंने कढ़ाई में डाला है, गैस ऑन कर दी है और यहाँ पर मैंने एक कटोरा लिया है पुराना सा, इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा रखेंगे। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पास नीचे रखने के लिए कोई जाली या कोई रिंग नहीं है तो हम क्या करें। इसीलिए इस वीडियो में मैंने एक कटोरे का यूज़ किया है जो हर घर में नॉर्मली रहता ही है, तो आपको जाली वाली भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे मैंने कवर कर दिया है यानी कि अच्छे से ढक दिया है। अब हम फुल फ्लेम पर यानी कि तेज़ आँच पर इसे 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, खोल के हमें इसे बिल्कुल नहीं देखना है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम हमारे पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। हमने इसे बिल्कुल भी बीच में खोला नहीं था जिससे इसकी जो एयर थी वो बिल्कुल इसके अंदर ही रही है और एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी ही दिख रहा है। तो अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। आप देख सकती हैं कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है हमारा पिज़्ज़ा। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक छुरी की हेल्प से इसे कट कर रही हूँ, आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी इसे कट कर सकती हैं, वो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा झटपट बहुत ही आसानी से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कीमा पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के तैयार है। देखा आपने कितनी आसानी से ये बन गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये रेसिपी है। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरी ये रेसिपी इंग्लिश में देखना चाहती हैं तो मेरे सेकंड चैनल कुक विथ हार्ट इंग्लिश पे जाके इस मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।